और भाई प्रवीण मिश्रा बुलबुल आज शुरू करता नहीं भोजपुरी भाषा में अपना भाषा में उस चैनल भोजपुरी बात कही आज एगो बड़ा मामला खबर के प्रायोजक बचपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्राणगढ़ी मेरवा में तुरंत अभी अभी के एगो बहुत बड़ा खबर सिवान के महाराजगंज DCLR के यहाँ आयकर विभाग और निगरानी विभाग के छापेमारी के मामला सामने आ रहल बा। रुके बता दी कि देर संध्या ई छापेमारी भइल ह। हालांकि मामला में पुष्टि अभी केहू पदाधिकारी करे के तैयार नहीं के। घटना के संबंध में बतावल जाता कि राजेंद्र चौक पर पदाधिकारी के गिरफ्तारी के बात सामने आ रहल बा। हालांकि कुछ लोग यो बता रहल बा कि DCLR साहब के पियून हुवन यानी कि चपरासी हुवन जेकर गिरफ्तारी भइल बा। हालांकि ई मामला सामने जब आइल ह तब ओकरा के लिए के सनसनी के माहौल व्याप्त हो चलल बा। व्हाट्सएप पर तमाम तरह के खबर चल रहल बा कि 20,000 रुपया लेके DCLR साहब गिरफ्तार भइल बने, जबकि कोनो भी तरह के पुष्टि अभी तक नइखे भइल। कोनो भी पदाधिकारी ये मामला में बोले के तैयार नइखन। रउरा के बतावत चली कि सिवान जिला के महाराजगंज के DCLR साहब के यहाँ देर संध्या तक आयकर विभाग के या निगरानी विभाग के छापेमारी होखे के बाद सामने आ रहल बा, जौना के लेके सनसनी के माहौल व्याप्त हो चलल बा। हालांकि रउरा के लाइव देखा रहल बने वहाँ के डेरा से, वहाँ के निवास से, जहाँ तमाम निगरानी विभाग के पदाधिकारी लोग जुटल बा उपस्थित होके लगातार छापेमारी के कार्यक्रम चल रहल बा। जैसे कुछ विशेष होता हम लोग के बताएं, तब तक बने रही भोजपुरी बतकही पर। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी। रउरा के बता दी कि लगातार जौन कुरीति बा, जौन लगातार घूस के माहौल बा, घूस लेन देन के लेके एगो बहुत बड़ा खबर आ रहल बा। निगरानी विभाग के छापेमारी के बाद सामने आ रहल बा सिवान जिला के महाराजगंज DCLR की यहाँ छापेमारी होता। हालांकि कुछ लोग इहो कह रहल बा कि वहाँ के पियून के गिरफ्तारी राजेंद्र चौक से भइल बा, लेकिन अभी तक केहू भी पदाधिकारी ए मामला में पुष्टि करे के तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे पुष्टि होता पूरा खबर रुक देखाएं, तब तक बना रही भोजपुरी बतकही पर। सिवान के महाराजगंज DCLR के यहाँ आयकर विभाग और निगरानी विभाग के छापेमारी के मामला सामने आ रहल बा। रुके बता दी कि देर संध्या ई छापेमारी भइल ह। हालांकि मामला में पुष्टि अभी केहू पदाधिकारी करे के तैयार नहीं के। घटना के संबंध में बतावल जाता कि राजेंद्र चौक पर पदाधिकारी के गिरफ्तारी के बात सामने आ रहल बा। हालांकि कुछ लोग यो बता रहल बा कि DCLR साहब के पियून हुवन यानी कि चपरासी हुवन जेकर गिरफ्तारी भइल बा। हालांकि ई मामला सामने जब आइल ह तब ओकरा के लिए के सनसनी के माहौल व्याप्त हो चलल बा। व्हाट्सएप पर तमाम तरह के खबर चल रहल बा कि 20,000 रुपया लेके DCLR साहब गिरफ्तार भइल बने, जबकि कोनो भी तरह के पुष्टि अभी तक नइखे भइल। कोनो भी पदाधिकारी ए मामला में बोले के तैयार नइखन। रउरा के बतावत चली कि सिवान जिला के महाराजगंज के DCLR साहब के यहाँ देर संध्या तक आयकर विभाग के या निगरानी विभाग के छापेमारी होखे के बाद सामने आ रहल बा, जौना के लेके सनसनी के माहौल व्याप्त हो चलल बा। हालांकि रउरा के लाइव देखा रहल बने वहाँ के डेरा से, वहाँ के निवास से, जहाँ तमाम निगरानी विभाग के पदाधिकारी लोग जुटल बा उपस्थित होके लगातार छापेमारी के कार्यक्रम चल रहल बा। जैसे कुछ विशेष होता हम लोग के बताएं,
तब तक बन रही भोजपुरी बतकही पर। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब करी। रउरा के बता दी कि लगातार जौन कुरीति बा, जौन लगातार घूस के माहौल बा, घूस लेन देन के लेके एगो बहुत बड़ा खबर आ रहल बा। निगरानी विभाग के छापेमारी के बाद सामने आ रहल बा सिवान जिला के महाराजगंज DCLR की यहाँ छापेमारी होता। हालांकि कुछ लोग इहो कह रहल बा कि वहाँ के पियून के गिरफ्तारी राजेंद्र चौक से भइल बा, लेकिन अभी तक केहू भी पदाधिकारी ए मामला में पुष्टि करे के तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे पुष्टि होता पूरा खबर रुआ के देखाएं, तब तक बन रही भोजपुरी बतकही पर। छोटे बच्चों के किसी भी तरह के इलाज के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। मुझे तो रुआबजा गुलाबजा से मजा आ गया, आप शेयर करें। और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के तरफ से सारा सिवान के जनता के विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर रजिस्ट्रेशन नामांकन। और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। मुझे तो रुआबजा गुलाबजा से मजा आ गया, आप शेयर करें। और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा, शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क करी।